के पाठक का दिखने लगा असर विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में भी थी। आपको बता दें कि नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अचरा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय अब्दुल मस्जिद टोला हनुमान नगर में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देशों का असर तो शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिसमें बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि, शिक्षक को समय विद्यालय पहुँचना तथा साफ सफाई, परंतु ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में मूलभूत संरचना आज भी नदारा थे। रसोई घर जर्जर है, क्लासरूम में बनाई जाती है बच्चों का भोजन, दो शौचालय जर्जर है। विद्यालय परिसर में चार दीवारें नहीं है, जिसमें बच्चों व शिक्षक असुरक्षित महसूस करते हैं। कुल 5 शिक्षक कार्यरत है। नामांकित बच्चों की संख्या 156 बताया गया है, जिसमें से दिसंबर माह में अनुपस्थित 12 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। क्या कहते हैं प्रधानाध्यापक मोहम्मद सलाउद्दीन? निधि सिंह के साथ अररिया से रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। अच्छा, भोजन क्या सब आज बना रहे हैं? आज आलू का भरता और खिचड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, तो भोजन सब रोज बनता है? सब रोज बनता है। अति शुक्र का नहीं बनता। शुक्र यहाँ छुट्टी रहता है? जी सर, रविवार खुला हुआ रहता। सर आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन, प्राथमिक विद्यालय अब्दुल मस्जिद टोला के मैं एसी हूँ। सर आपके यहाँ कुल कितने बच्चे नामांकित हैं? सर 156 बच्चे का नामांकन मेरे यहाँ चल रहा है। दिसंबर माह में क्या बच्चे का नामांकन को रद्द भी किया गया है? जी हाँ, रद्द किया गया है। कितने बच्चे का नामांकन रद्द किया गया? कुल 1 से 5 तक में ऐसे बच्चे जो बच्चे दूर से हैं या नहीं आते हैं, आना उनका संभव भी नहीं है, और अभी भी कारण बहुत जी विभाग के आदेश के अनुसार उनका नामांकन रद्द किया गया है। कुल संख्या कुल 12 है। दिसंबर माह में 12 बच्चे का नामांकन को रद्द किया गया। आपके विद्यालय में सर सुविधा किस तरह की है? सर सुविधा कहा जाए तो है, लेकिन कुछ कमी बहुत सारी है। क्या सर कमी कैसी है? अब बाउंड्री नहीं है हमारे पास। अब बाउंड्री नहीं होने के कारण होता क्या है, जब हम पेंट कराए, अब पेंट करने के बाद में अब यहाँ से स्कूल बंद हो गए, चले गए, गांव घर के बच्चे आकर के उसे गंदा कर देते हैं। साफ सफाई का इंतजाम करते करने के बावजूद भी साफ सफाई नहीं रह पाता है। पहली बात हमारे स्कूल में बाउंड्री हो जाए, और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो जिस अनुपात में बच्चे हमारे यहाँ हैं, शौचालय हमारे पास 2 चालू हाल में है, 2 है जो पुराना है, जो जर्जर हो चुका है, उसका इस्तेमाल करना या मुनासिब नहीं हो पा रहा है। साफ सुथरा तो है लेकिन जर्जर हो चुका है, उपयोग में नहीं है। हाँ, उपयोग में नहीं है। किचन का क्या स्थिति? सर किचन तो आपने देखा, अभी किचन के टूटे हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि आंधी बाढ़ आया था, कभी जमाने आंधी आई थी तो सारा शटर उटर उड़ गया था, इसलिए हम खाना अभी अपने क्लासरूम में सर बनाते हैं। हम किचन सेट का भी बहुत ज़रूरी है, और हम विभाग के तौर पर हमने अभी एक लेटर आया था, एक सुझाव मांगा गया था, फर्श में क्या कमी है, दीवार में क्या कमी है, किचन में कहाँ दिक्कत है, शौचालय में कहाँ दिक्कत है, वो फॉरवर्ड हम भर के दिए विभाग को कि हमको फर्श की भी दिक्कत हो रही है, कि पुराना फर्श हो चुका है, चूट टपा दिया है, और ऐसे दीवार के अंदर में जो कुछ की कमी तो नहीं है, लेकिन हमको फर्श की कमी है, फर्श टूट चुका है। नंबर 2 किचन बनना चाहिए, तीसरी बात शौचालय और 2 बढ़ा दिया जाए विभाग का, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। पहली बात तो सर ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपके द्वारा अपने विभाग से कि हमारा बाउंड्री पहले कर दिया जाए, क्योंकि जो भी बाउंड्री के बाद जो कुछ भी होगा सुरक्षित न होगा भाई, महफूज न रहेगा वो। अब सरकार इतना इतना पैसा देती है हमको रंग रोगन करने के लिए, अभी रंग रोगन किए हैं, लेकिन कुछ ही दिन हुआ रंग रोगन किए हुए सब फिर गंदा उसी हाल में हो चुका। वजह यह है कि हम जो है रात में तो रहेंगे नहीं, हम टीचर लोग रात में बच्चे आकर के गंदा कर देते हैं, वो प्लस्तर खराब कर देते हैं, प्लस्तर तोड़ देते हैं। बस एक ही बात है, बाउंड्री होगी ताकि हम इसको जो सामान सरकार के दिया हुआ मुझे है उसको हम सही तौर पर हिफाजत कर सकेंगे। यानी 4 दीवारी की अति आवश्यक? जी हाँ, है बहुत जरूरी है। शौचालय 4 दीवारी? जी हाँ, सर जब से हमारे विभाग के ऊपर पदाधिकारियों ने 9 से 5 का टाइम
निर्धारित कर दिए हम लोगों के लिए। कठिनाई तो होती है, लेकिन कठिनाई क्या, शिक्षक कितने हैं आपके यहाँ सर? सर हम बड़ी 5 कार्यरत हैं। 5 कार्यरत हैं।